प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिलती हूँ दर्पण ऑफ इंडिया DOI लाइव सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत नमस्कार केमोना चीन आज बहुत ही खुशी की बात है कि श्री जगन्नाथ धाम पुरी वहाँ से आज वंदे भारत कोलकाता और पुरी को जोड़ने वाली वंदे भारत को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने फ्लैग ऑफ किया है। आप सब उसी वंदे भारत में बैठे हैं। इस वर्ल्ड क्लास ट्रेन को किस तरह से आज देश में वर्ल्ड क्लास ट्रेन से देश के कोने कोने को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। बंगाल से विशेषकर कोलकाता से पुरी जाना बहुत ही लोगों की पसंद है। अच्छा बीच है, महाप्रभु के दर्शन हैं और एक बहुत पुराने कल्चरल संबंध है, बहुत पुराने कल्चरल संबंध है। कोलकाता माँ काली का बीच है, इतनी बड़ी सांस्कृतिक धरोहर है, इतनी बड़ी विरासत है। पुरी जगन्नाथ महाप्रभु की बीच है, इतना विशाल हेरिटेज, इतनी बड़ी हेरिटेज, इतनी बड़ी कल्चरल, इतनी बड़ी सिग्निफिकेंट टूरिज्म का पॉइंट है। दुनिया के मानचित्र पे, दुनिया के मैप पे पुरी और कोलकाता बहुत ही प्रोमिनेंट प्लेसेस हैं। तो आज उन दोनों को जोड़ने वाली एक ट्रेन, इस ट्रेन में आप सबका स्वागत है। अश्विनी जी, पहले हम देखे थे वंदे भारत से चालू हुआ था बंगाल, बंगाल से वो था आपका हावड़ा स्टेशन से न्यू जलपाईगुड़ी, और फिर आज दूसरा वंदे भारत बंगला बंगाल को मिला है जो पुरी से हावड़ा जिले से चलता है। तो ये दोनों ट्रेन जो बंगाल से दिया है, इसमें किस तरह किस लिए आप चिंतित कैसे हुआ? देखो, प्रधानमंत्री जी का बहुत स्पष्ट संकल्प है, सबसे पहले वंदे भारत से सारे के सारे स्टेट्स को जोड़ना है। सारे स्टेट्स को जोड़ने का काम जून के महीने में कंप्लीट हो जाएगा। विल बी एबल टू कंप्लीट कनेक्टिंग एवरी स्टेट एक्सेप्ट वेयर इलेक्ट्रिफिकेशन इज येट टू बी डन फॉर थ्री नॉट थ्री प्लेस। एवरीवेयर एल्स वी वुड हैव ब्रॉट वंदे भारत टू दैट स्टेट। प्राइम मिनिस्टर साहब हमेशा सबका साथ सबका विकास पे बिलीव करते हैं। उन्होंने कभी भी कोई भी पॉलिटिकल कंसिडरेशन से आज तक कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। आप देखो केरल, केरल में तो भाजपा की सरकार ने फिर भी वहाँ पे अच्छे वंदे भारत चलाई। तमिलनाडु, वहाँ पर कोई बीजेपी की सरकार नहीं, वहाँ भी अच्छे वंदे भारत चलाई। तो पहले सारे के सारे स्टेट्स को कवर करके फिर स्टेट्स के अंदर जो प्रोमिनेंट प्लेसेस हैं उनको और कवर करके ओवरऑल इन अ वेरी सिस्टमेटिक इन अ वेरी मेथोडिकल absolutely people oriented policy change करके we are now giving a totally new customer experience to traveling experience to our people। तो सर, आप लोग बोल रहे सारे स्टेट को जानने के लिए, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो वंदे भारत चल रहा था उसको ठीक से चालू नहीं हुआ, इसके कारण क्या हुआ? इसके कारण बहुत अच्छा चल रहा है प्रधान, बहुत अच्छी चल रही है वंदे भारत। आप जाके पूछो, मेरे पास तो बहुत अच्छा फीडबैक है और बल्कि पैसेंजर्स जो लिखते हैं। प्रधानमंत्री का ये जो संकल्प, वंदे भारत का जो संकल्प है, वो कितनी दूर तक और कहां तक पहुंचने वाली है सर, इसे विस्तार पूर्वक बताएं जनता को। करीब 400 वंदे भारत ट्रेन्स, 400 वंदे भारत ट्रेन्स की मैन्युफैक्चरिंग का काम चालू हुआ है। फर्स्ट, सेकंड, वंदे भारत की मैन्युफैक्चरिंग अभी ICF चेन्नई एक फैक्ट्री में हुई। करीब
जैसे नई गाड़ी बनती है, नई इक्विपमेंट, नई मशीनरी बनती है, तो उसका पूरा सप्लाई चेन क्रिएट करना पड़ता है, उसका इकोसिस्टम डेवलप करना पड़ता है. नाउ द इकोसिस्टम हैज गॉट डेवलप एंड नाउ वी आर मैन्युफैक्चरिंग अबाउट एट, एवरी एट डेज वी आर मैन्युफैक्चरिंग वन ट्रेन. दैट इज द पेस एट विच वी हैव ऑलरेडी कम. नाउ वी आर क्रिएटिंग प्रोडक्शन फैसिलिटीज इन टू मोर प्रोडक्शन यूनिट्स, रायबरेली में, लातूर. उससे क्या होगा, ऑन एन एवरेज विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स वी विल बी प्रोड्यूसिंग वन ट्रेन एवरी 3-4 डेज. सो टोटल 400 ट्रेन को प्रोडक्शन का इस तरह से व्यवस्था की. बोले थे रेलवे बजट में, आप बोले थे ये बात, अबाउट 400 वंदे भारत ट्रेन का इस तरह से कंप्लीट प्रोडक्शन. दैट वाज द सेकंड पॉइंट सर. ये वंदे भारत तो जम्मू कश्मीर. सुन लो ना दादा, पॉइंट नंबर 3, वंदे डिजाइन हो कैसे हैं, दो नए फॉर्मेट्स. ये आप देख रहे हो चेयर कार, राइट? चेयर कार इज वेरी गुड अप टू 500 किलोमीटर्स. बियॉन्ड 500 किलोमीटर्स यू नीड अ स्लीपर. सो स्लीपर के वर्जन का पूरा डिजाइन चल रहा है और इतना अच्छा डिजाइन बना है, जब आप लोग उस डिजाइन को देखोगे तो यू विल फील वेरी हैप्पी अबाउट इट. यू विल, आई कैन गारंटी यू एज अ यंगर ब्रदर एंड फॉर सम एल्डर ब्रदर, पीएम साहब का जो विजन है, उस विजन में दैट ट्रेन व्हेन यू सी यू विल फील सीरियसली हैप्पी अबाउट इट. फोर्थ पॉइंट, फॉर सिटीज विच आर सिचुएटेड 100 किलोमीटर्स अपार्ट, 100 किलोमीटर जैसा जो गैप होता है, दैट इज कॉल्ड अ कम्यूटिंग डिस्टेंस. कम्यूटिंग डिस्टेंस के लिए एक नया फॉर्मेट बन रहा है, वंदे मेट्रो. जैसे अगर आप यूरोप जाओ तो दो शहर जो आसपास है उनके बीच में बहुत फ्रीक्वेंसी सी, मतलब सुबह 8 बजे चली, फिर 10 बजे चली, फिर 12 बजे चली, फिर 2 बजे चली, ऐसा फ्रीक्वेंसी के साथ कम्यूटर ट्रेन चलते. सो कम्यूटर ट्रेन की टेक्नोलॉजी अलग होती है, स्लीपर की टेक्नोलॉजी अलग होती है और सीट चेयर कार की टेक्नोलॉजी अलग होती है. स्लीपर की टेक्नोलॉजी में सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, सो ट्रेन की स्टेबिलिटी पे और ज़्यादा काम करना पड़ता है, राइट? और जो मेट्रो है, कम्यूटिंग ट्रेन है, उसमें बहुत ज़्यादा लोगों को एक साथ पर स्क्वायर मीटर ज़्यादा लोगों को लेके जाना होता है, क्योंकि सुबह पीक रहेगा, शाम को पीक रहेगा. सो दैट इज़ द वे वी हैव टू डिज़ाइन इट. तो उसकी डिज़ाइन अलग तरह की होती है, उसमें लोड बेरिंग कैपेसिटी चेंज होती है, बोगी की डिज़ाइन चेंज होती है, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन है वो चेंज होता है, इलेक्ट्रिक्स का डिज़ाइन चेंज होता है, उसमें एक्सेलरेशन और ज़्यादा देना पड़ता है. जैसे इसका एक्सेलरेशन वंदे भारत का बहुत अच्छा है, अगर आप कंपेयर करो दूसरी ट्रेन से, वर्ल्ड की जो दूसरी ट्रेन से उनसे कंपेयर करो, तो वंदे भारत 0 to 100 कितने सेकंड में करती है? लेट मी टेक अ क्विज, कितने सेकंड में करती है 0 to 100 कितने सेकंड में करती है? यस, आपके लिए ताली बजनी चाहिए भाई. बहुत अच्छा. कंपेरेबल ट्रेन इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, आई डोंट वांट टू टेक एनी कंट्रीज नेम, अच्छा नहीं होता, डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बातें होती है, बट विदाउट टेकिंग एनी नेम्स यू कैन से दैट वर्ल्ड की जो बाकी सब बेस्ट ट्रेन हैं उसको अगर कंपेयर करो तो 54 सेकेंड्स, 55 सेकेंड्स या 60 सेकेंड्स, राइट? अपना 52. फिर आप इसके अंदर जो साउंड लेवल आप ऑब्जर्व कर रहे हो, बड़े आराम से जैसे ऑफिस में बैठे वैसे बात कर रहे हैं, राइट? एरोप्लेन से 100 times लेस नॉइज लेवल है जहाँ आप अभी बैठे हो. एरोप्लेन से 100 times कोई ईयर्स में प्रेशर नहीं है, राइट? थर्ड, जर्क्स नहीं. जैसे जैसे हम ट्रैक्स को इम्प्रूव कर रहे हैं और भी राइड क्वालिटी बेटर होता जाता है. तो इन सब फैक्टर्स को लेके 3 फॉर्मेट बन रहे हैं वंदे भारत के, स्लीपर विच इज़ बियॉन्ड 500 किलोमीटर्स, चेयर कार विच इज़ अप टू 500 किलोमीटर्स एंड वंदे मेट्रो विच विल बी अप टू 100 किलोमीटर्स. तो प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, वेरी वेल थॉट थ्रू, जिससे कि रेलवे, बिकॉज रेलवे कैरीज 800 करोड़ पीपल एवरी ईयर. आप कहोगे 800 करोड़ तो हमारी पॉपुलेशन ही नहीं है. 1% व्हेन 1% इज ट्रैवलिंग मोर देन वंस इन अ ईयर, देन यू काउंट इट सो मेनी टाइम्स, राइट? 800 ट्रिप्स, 800 पैसेंजर्स, इन यूनिक पैसेंजर्स, 800 पैसेंजर्स. सो वी कैरी 800 पैसेंजर्स एवरी ईयर. सो हाउ डू वी चेंज द ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस
of these 800 passengers. And they are in this entire pyramid, middle income, lower middle income and lower income. This is the segment to which railways caters. SME, अच्छी क्वालिटी की ट्रेन एट एन अफोर्डेबल प्राइस, गुड सेफ्टी, नई टेक्नोलॉजीज, उन सबको ध्यान में रखते हुए लास्ट ईयर ऑन एन एवरेज कई वर्षों से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गिविंग सब्सिडी ऑफ 59,000 crore. कभी 55 है, कभी 56 है, कभी 59 है, कभी 60 है. Roughly that much subsidies is being given for keeping the passenger fares low. अभी जैसे दुनिया के किसी भी देश से कंपेयर करो, इस ट्रेन के इक्वल जो ट्रेन है उसका फेयर कम से कम 20 टाइम्स ज़्यादा होगा. दैट मच केयर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इज कीपिंग. इस तरह से रेलवे का एक प्रॉपर सिस्टम है. नाउ आई कम अवे फ्रॉम द ट्रेन, आई कम टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. रेलवे में इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट. इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह से डेवलप किया जाए उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है. बिफोर 2014, इन द पीरियड्स ऑफ 2009, 2010, 2011, तब के जो भी रेल मंत्री होंगे, आई डोंट वांट टू टेक एनी नेम्स, उस जमाने में ऑन एन एवरेज इन अ ईयर ओनली अबाउट 1,500 किलोमीटर्स पर एडेड एज न्यू ट्रैक्स. मोर देन दैट अनाउंसमेंट्स वर डन, more than that foundation stones were done, actual work was very less. It was on an average 4 km per day. Aaj aap batao, what is the average production today, average number of tracks per day today, aap batao, andaaz lagao. 4 km tha 2014 se pehle, aaj kitna hai, guess karo. per day kehta hu main agar to 4 was the benchmark before 14. Now what is the actual number today? Guess kar. 14 kilometers per day. 14 kilometers per day. Last year we added 5,200 kilometers. उस नंबर को समझने के लिए, उसको अंदाज़ा लगाने के लिए, 5,200 किलोमीटर्स मीन्स पूरे स्विट्जरलैंड का जो रेलवे नेटवर्क है उसके बराबर एक साल में ऐड किया. व्हाई डू वी नीड दिस बिकॉज लार्ज कंट्री, लार्ज पॉपुलेशन, ग्रोइंग इकोनॉमी,